जम्मू क्षेत्र के पास भारतीय नियंत्रण रेखा पर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए एक आतंकवादी ने भारतीय क्षेत्र के भीतर आतंकी हमलों को एक तरीके से पाकिस्तानी प्रायोजित बताया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आतंकी ने तमाम तरह के खुलासे किए हैं और आतंकी हमलों को प्रायोजित करने में एक सेवारत पाकिस्तानी सेना कर्नल की भूमिका को उजागर किया है। पकड़ा गया आतंकवादी तबारक हुसैन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जिला कोटली के सब्ज कोट गाँव का निवासी है। सेना के एक चिकित्सा केंद्र में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। हुसैन ने बुधवार को ये जानकारी दी कि उसे 3 से 4 अन्य आतंकवादियों के साथ भेजा गया था, जिसे LOC पार करने के बाद भारतीय सैनिकों पर फिदाइन हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी कर्नल यूनुस चौधरी द्वारा पैसे दिए गए थे। हुसैन को हालांकि गोली लग गई, जबकि उसके साथी फरार होने में कामयाब रहे। हुसैन ने सवालों के जवाब में कहा, हम 4-5 लोग थे, हमें पाक सेना के कर्नल चौधरी यूनुस ने भेजा था, उसने हमें भारतीय चौकियों पर हमला करने के पैसे दिए। पोस्ते की करना है, पोस्ते की करना है, तार कट्टे कर देंगे, तार फौजियों मारना है ना, पोस्ते ही हैं, कितने कितने पीजे कितने सीखा है चौधरी यूनुस में, चौधरी यूनुस कौन है, आर्मी में, आर्मी के पाकिस्तान की, उन्हें की क्या के पीजे तो कि जाके पोस्ते थे की करो की हमला करो, हमला करो बोले किधर किधर होते हमला करना से? किधर उतर हमला करना चाहिए, पहुंच उतर पोस्ट उतर, पहले भी तुसी आए थे 2016 में आया था, 2016 तो हूँ, फिर क्यों आ गए, फिर हमला किया, क्यों आया फिर उसने हमला नहीं आया, हमला नहीं आया, किन्हें बाकी बाकी बंदे किधर गए, भाग गए, भाग गए, हाँ की बोले तुसी की बोले उधर जैसे वो नस गए, इस तो पहले हूँ किन्नी बार आया से इस साल, इस साल कितनी बार आया जी, इस साल कितनी बार आया हूं, ये जेडे नाल आए सी उनादे कोल भी थी सी गनमन सी उधर को उनादे कोल पूरा कितना असला थी, 4-5 गन्ना थी, 4-5 गन्ना थी, की पूरा प्लान की सी का थोड़ा किदे हमला किधर करना सी, की आके सी चौधरी यूनिस ने किधर हमला करना, जंगल बॉर्डर में, जंगल बॉर्डर नी, जंगल बॉर्डर फौजियों मारना, किन्ने ये जड़ी पोस्ट है इंडिया दी, उस ते हमला करना सी, मोर्चे दे तो तुसी की किस तरह आ रही थी, तार कट के किधर आ रही थी, पाने काटे थे पीछे पीछे ही सुबह, फिर जो तेरे गोली फिर गोलियां लगी तेरे फिर क्यों है, जो तेरे गोली लागी तो अपने साथियों ने बुलाया फिर मदद वास्ते हैं आए फिर और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, एक आतंकी पकड़ा गया है जिसने बड़े खुलासे किए हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है, रविंद्र? बिल्कुल पल्लवी, देखिए पाकिस्तान को अगर आतंकी स्थान का कहा जाएगा तो कोई कम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्रियां जो है वो चलती हैं, जिसके समय समय पर खुलासे जो है होते रहते हैं। जब मुंबई में अटैक हुआ था तब भी जो आतंकी पकड़ा गया था उसने भी बहुत सारे खुलासे किए थे, और अब जो आतंकी पकड़ा गया है तबारक उसने भी खुलासे किए हैं कि पाकिस्तान का एक कर्नल है ISI का, जो कहा जाए जिसने यूसुफ चौधरी है, जिसने कहा था कि भारतीय पोस्टों पर हमला करें, और ये 5 आतंकियों का एक ग्रुप था जो 21 अगस्त की तड़के जो है LOC की तरफ पड़ा, और जब सुरक्षा बलों ने उस वो फेंस काट रहा था तब उन्होंने ललकारा और उसके बाद उसने भागने का प्रयास किया तो फायरिंग की गई, जिसमें बाकी के आतंकी जो हैं वो भाग निकले थे, लेकिन तबारक को 4 गोलियां लगी और वो वहीं गिर पड़ा, और उसके बाद उसको जो सेना के जवान हैं उन्होंने उसको उठाया और उसकी 4 गोलियां अभी तक निकाल दी गई हैं, और उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है, लेकिन उसने
बड़े खुलासे कल पत्रकारों के सामने किए हैं कि मेरे को आईएसआई के जो कर्नल हैं यूसुफ चौधरी, उन्होंने भेजा था और कहा था कि भारतीय पोस्टों पर हमला करना है, वहां ज्यादा नुकसान पहुंचाना है, और यही वजह है कि उन आतंकियों को इस ओर भेजा गया है। और इसको तबारक को 30,000 रुपए मिलने थे जो सेना की अग्रिम चौकियों जो है वहां पर रैकी और हमला करने के लिए। मैं आपको बता दूं पल्लवी, 2016 में भी तबारक और उसका भाई जो है वो पहले भी पकड़ा जा चुका है और 2016 में पकड़ा गया था, जिसके बाद जेल काटने के बाद इसको भेज दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से इस तबारक ने जो है वो पार की है और कोशिश की है कि जो भारतीय पोस्टें हैं उन पर हमला किया जाए। ये कहा जाए तो एक बड़ी साजिश जो है पाकिस्तान की वो नाकाम होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसके बाद जो है वो बेनकाब होता नजर आ रहा है। रविंद्र, अब सवाल ये है कि इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो क्या अब कोई भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है या पाकिस्तान को इस बारे में सफाई देनी होगी कि उन्होंने वाकई में इस तरह के आतंकवादी भेजे हैं? क्योंकि बहुत बड़ी ये बात है कि एक आतंकवादी ने ही खुलासा कर दिया कि पाकिस्तानी कर्नल की तरफ से हम लोगों को भेजा जा रहा है आतंकी हमले के लिए। अब भारत का क्या स्टैंड हो सकता है इस पर? देखिए, भारत का स्टैंड पहले भी रहा है, जब पठानकोट के एयर फोर्स स्टेशन पर हमला किया गया था तब भी जैश मोहम्मद के आतंकी जो थे वो उसमें शामिल थे, उस हालांकि पाकिस्तान की टीम को लाकर यहाँ दिखाया गया था। लेकिन पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी ना नुकर करेगा और कहेगा कि हमारे यहाँ से कोई भी आतंकी और ना ही किसी सेना के अधिकारी के द्वारा इन आतंकियों को भेजा गया है। कहा जाए तो पाकिस्तान लगातार बेनकाब होता रहा है। हालांकि अमेरिका ने जब अपना एक हमला किया था जिसमें बड़ा आतंकी कमांडर जो था वो मारा गया था और तब भी कहा जाए तो पाकिस्तान की काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी। पूरे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो पाकिस्तान है सबको पता है कि वहां पर आतंकी फैक्ट्रियां चलती हैं। हालांकि अगर भारत की बात करें तो भारत इस पे एक स्टेप जरूर लेगा क्योंकि विदेश मंत्रालय जो है वो कहीं ना कहीं कड़ा संज्ञान जो है वो लेगा और पाकिस्तान को इसके ऊपर जो है वो तलब भी किया जाएगा, जो पाक दूतावास है वहां पर जो है उनको तलब किया जाएगा और कहा जाएगा कि आपकी तरफ से लगातार आतंकियों के इसको भेजा जा रहा है जिसके हमारे पास। चलिए, शुक्रिया रविंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।